अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि पता है, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले शेख अमीन साहब जो कि रज़ाए इलाही वफात पा चुके हैं, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि दुआ को कीजिए कि अल्लाह जन्नत अल-फ़िरदौस में शेख साहब को आला मकाम दें। तो इस वीडियो में आपको मैं शेख साहब का दीदार करते वक्त की वीडियो दिखाऊंगा और शेख साहब की सुरीली और माशाल्लाह मीठी आवाज़ भी सुनाऊंगा। तो आप सबसे गुजारिश है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मेरी न्यू पोस्ट आपको मिल जाएगी। शुक्रिया। हर इंसान कहते हैं मुसीबत से बचो, दुनिया में आखिर हर इंसान ये सारे आते भी से नमाज रोजे के लिए नहीं आते, नमाज रोजे का पता मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, लेकिन उनको नहीं पता ये ऐसा मौका उनको मिला जो शायद क्यामत तक उनके हाथ में शायद ना आए। खुदा के करम के जमाने में कोई घड़ियाँ होती हैं, हदीस शरीफ का मफहूम है, फ़इन्ना लिल्लाहि फ़िल दहरि लफ़हात, अल्लाह के ज़माने में कोई घड़ियाँ ऐसी होती हैं उसमें कोई करम जारी किए जाते हैं, फ़इन्ना लिल्लाहि फ़िल दहरि लफ़हात अला फ़तअर्रदू लहा, जो उन घड़ियों की कोशिश करो हासिल करो मजबूर होते, वो घड़ी बाद में आएगी, ये भी आएगी या इस वक्त मौजूद है। हम ये चीज़ की ताकीद नहीं करते ना इनकार करते, लेकिन कहा तो है नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला के ज़माने में बाद घड़ियाँ होती हैं, तो आप फ़ायदा उठाएं, शायद ये घड़ी अभी मौजूद हो जब तक मैं जिंदा हूँ, तो आठ नंबर काफ़ी ना छोड़ें। तरीकत के दो असूल हैं, फनाफिश गैरत शेख, फनाफिश गैरत शेख अगर आपसे नहीं छूटी और आठ नंबर काफ़ी नहीं छूटी, अगर आपको वो चीज़ें नसीब में जो इंसान को पागल करती इतने करम, यकीन है ना इसमें मुझे अल्लाह की नेमत अता है, ये मेरे फ़ख्र के तौर से भी कहता हूँ। कुरान में फ़इन्ना बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, अल्लाह की उसको जिक्र करो लोगों को सुनाओ, मतलब वो रागिब हो तो नीयत पर होता है। ये मौका हाथ से न खोने, जैसे हमारे सिलसिले में बारिश की तरह इस सिलसिले में जुड़ जाए, जैसे उसके असूल हैं फनाफिश गैरत शेख, उसके ज़ामिन और कफ़ीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, इतनी बड़ा करम जो अक़ल से बाहर है, बताओ मेरी किस्मत है जिनकी। बहरहाल इतना बयान मेरा काफ़ी, अगर तुमसे आठ नंबर काफ़ी नहीं छूटी, फनाफिश शेख और गैरत गैरत शेख नसीब हो गई, तुमको सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी उम्र मुझको रो रो के दुआएँ दो कि तुमको आका की ज़मानत और कफालत नसीब हो जाए, क्या चाहिए ये इसमें छुपा हुआ है। पता नहीं सदके दे दे के आता हूँ, फिर मशवरे करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर कुछ हिम्मत आ जाती है, बैठता हूँ, क्योंकि लोग मोहब्बत के रंग से आते हैं तो मोहब्बत है जाओ मोहब्बत, फिर कुछ उम्मीद लगा के आते हैं कि किसी की देखते मुश्किलें हल होंगी, नामुमकिन काम हो गए, फिर अपनी किस्मत आजमाते हैं कि हमारे भी नामुमकिन काम हो जाए। तो मैंने इसका तुमको असर असास बुनियादी बता दिया, अगर तुमसे वजीफे नहीं छूटे, नमाज का तो पता ही तुमको फ़र्ज है, वो तो अदा करनी है, कदा हो जाए वापस आओ, ये चीज़ें तकवीत देती है, अगर वजीफे नहीं छूटे तुमसे और फनाफिश गैरत शेख नसीब हो गई, अगर ये उनकी ज़मानत और कफालत के बाद तुमको क्या चाहिए, दुनिया आखिरत का बोझ हो तुम्हारा उठा लेंगे अल्लाह, ये तुम्हारी किस्मत है, अपनी किस्मत आजमाओ।